प्रमुख सचिव नगरीय विकास कुंजीलाल मीणा की माताजी गुलबाई मीणा की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कैबिनेट मंत्री, विधायक और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा की माताजी गुलबाई मीणा की पुण्यतिथि के मौके पर मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान माताजी की मूर्ति का अनावरण परिवार की लाडो और पर पोत्री 1.5 वर्षीय कृष्णा ने किया। सवाई माधोपुर के बामनवास स्थित प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा के पैतृक गांव रामसिंहपुरा में समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में माताजी गुलबाई मीणा की प्रतिमा को एक मंदिर में स्थापित कर उनके दिवंगत पति और कुंजीलाल मीणा के पिता मोतीलाल मीणा की प्रतिमा के पास लगाया गया। मूर्ति अनावरण समारोह में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, विधायक अमीन कागजी, इंदिरा मीणा, यूडीएच सलाहकार जीएस संधु, डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर सावंत, प्रमुख सचिव अश्वनी भगत, जयपुर मेट्रो सीएमडी अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ आईएएस श्रीमत पांडे, जेडीए आयुक्त गौरव गोयल, सपत्नीक, आवासन मंडल के आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा, नगर निगम आयुक्त अवधेश मीणा, मुख्य नगर नियोजक आर के विजय वर्गीय, नगरीय विकास विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल, अवधेश सिंह, नवनीत कुमार, उदयपुर यूआईटी के सचिव अरुण कुमार हसीजा और उपनगर नियोजक नितिन नेहरा सहित कई अधिकारी पहुंचे। समारोह में मंत्री परसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया और रामलाल जाट ने कुंजीलाल मीणा परिवार की ओर से की गई इस अनूठी पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पारिवारिक समारोह है और इनके पिताजी से भी हमारा बहुत स्नेह था और कुंजीलाल जी से भी है। अच्छा काम किया इन्होंने, मंदिर भी बना दिए, उनकी मूर्ति भी लगा दी, इसलिए बहुत अच्छा काम किया। गाँव के आसपास के लोग जो सामाजिक लोग हैं, ये बात सही है कि हर पुत्र का जो आशीर्वाद माता पिता का बना रहता है। कुंजीलाल जी और दो भाई हैं, 5 बहनें हैं, भरा पूरा परिवार है और एक खुशी का सा माहौल लग रहा है और उनके आशीर्वाद से ये परिवार आगे बढ़ा है। तो कुंजीलाल जी का मन था कि मेरे माता पिताजी की याद में इन्होंने आज ये मूर्ति का अनावरण किया, पहले उन्होंने मंदिर बनाया। तो आसपास के गाँव में एक मैसेज है इस बात का कि एक आईएएस अधिकारी होने के बाद में किस प्रकार से सामाजिक रूप से माँ बाप का आशीर्वाद लोगों पर बना रहे, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते आज ये सामाजिक समारोह रखा गया। देखो आज के इस कलयुग के अंदर कमी माँ बाप हैं, बेटे बेटी जो अपने माँ बापों की सेवा करने में, कुंजीलाल जी ने जो जिस तरह का इस एरिया में मैसेज दिया, नई पीढ़ी जो संस्कार समझेगी अपने माँ बापों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति भावना रखेगी, तो सनातन धर्म की जो परंपरा है वो निभाई है और एक संदेश जाएगा आने वाली नई पीढ़ी को। और मैं आज ही आया हूँ तो मेरी तरफ से दोनों को, माँ बाप कुंजीलाल जी के माता और पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इस मौके पर प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने भाव विभोर होते हुए कहा कि आज उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। उन्होंने कहा जब पिताजी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी तभी ये स्थान खाली छोड़ दिया था ताकि माताजी की मूर्ति यहाँ लगाई जा सके। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आज का समारोह मेरी माताजी का आज से 1 साल पहले देहांत हुआ था, स्वर्गलोक हुआ था उनको 27 फरवरी 2021 को, तो उनकी स्मृति में आज ये मूर्ति स्थापना, उनका मंदिर बनाया। पहले पिताजी का मंदिर बनाया था, 2014 में उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई थी, तो 2015 में उनकी पुण्यतिथि पे उनका मंदिर बना, उसके बाद आज माताजी का पहले ही स्थान छोड़ दिया था तो उनका भी आज मंदिर में ये पुनर्स्थापना हुई है। खास बात है एक मंदिर का जो मूर्ति की स्थापना की है वो हमारी माताजी, मेरे भाई के बेटे हैं तो पोता, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे तो बड़ा आशीर्वाद दिया माताजी ने, उनको एक लड़की हुई तो लड़की अभी 1.5 साल की है, तो माताजी 6 महीने की छोड़ के गई थी, तो उससे ईसा नाम की लड़की है कृष्णा, वो उस जन्माष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था, तो कृष्णा से हमने माताजी की मूर्ति का अनावरण कराया ताकि एक लाडो का मैसेज पूरे देश में जा रहा है कि भाई हमारे माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं, सबको रिक्वेस्ट किया, पर चीफ गेस्ट हमारी कृष्णा थी आज की। इस समारोह में आसपास के कई गांवों के लोग और पंच पटेल शामिल हुए। इस दौरान भजन कीर्तन और हेला ख्याल संगीत दंगल का भी आयोजन किया गया। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए अब यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।